मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, आज का वीडियो हम लेथ मशीन की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि लेथ मशीन पे कौन कौन से टूल ऑपरेशंस किए जाते हैं। ठीक है, तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो इसी प्रकार के वीडियो हम आपके लिए हम डालते रहते हैं। यदि आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं, डिप्लोमा आईटीआई या इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत यूजफुल होने वाला है, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपन। ठीक है, तो लेथ मशीन टूल। ठीक है, तो आपको सामने एक लेथ मशीन दिख रही है। ठीक है, जिसमें कई सारी चीजें दिख रही हैं, जैसे आपका ये टेल स्टॉक है, ये हेड स्टॉक है। ठीक है, ये पूरा आपका कैरेज कहलाता है। ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट पार्ट उसमें बताए गए हैं। ठीक है, तो चूंकि आज अपन को वेरियस टूल ऑपरेशन के बारे में पता करना है लेथ मशीन पर, तो इसके जो इम्पोर्टेंट पैरामीटर हैं, मतलब जो मशीन टूल पर आप जो ऑपरेशन करने वाले हैं, उनसे पहले आपको इन चीजों के बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्लियर कर देता हूँ मैं, आगे की स्लाइड पे चलते हैं। ठीक है, कैरेज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपका किसी भी लेथ मशीन पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि सारा मूवमेंट इसी से होता है। तो आप मैंने लिखा है कैरेज प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द लेथ मशीन ऑपरेशन बिकॉज इट कंट्रोल्स एंड सपोर्ट द कटिंग टूल। ठीक है, तो मैं आपको इसके डिफरेंट वो बता देता हूँ। देखिए, ये ऊपर जो होता है कंपाउंड स्लाइड, ये भी मूव करता है आपका जैसे रेसिप्रोकेटरी मोशन में। यहाँ आपका टूल माउंट होता है। ठीक है ना, ये आपका क्रॉस स्लाइड कहलाता है, इसको भी मूव किया जाता है। ये हैंडल है। ठीक है, ये कैरेज का हैंडल है, इसका कैरेज का हैंडल है जिस सैडल पे ये मूव करता है। किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में चलता है। ठीक है, ये कैरेज लॉक। ठीक है, ये जो स्क्रू होता है, स्क्रू ये वाला, ये कैरेज को लॉक करने के लिए, कैरेज को स्टेबल पोजीशन में करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हाफ नट लीवर, इसका उपयोग आप जब थ्रेडिंग करते हैं तब इसका उपयोग किया जाता है लीड स्क्रू को आपके कैरेज से इंगेज कराने के लिए, ताकि आपकी जो थ्रेडिंग में के बीच में प्रॉपर स्पेसिंग की जाए। ठीक है, तो ये आपका पूरा कैरेज वाला पोर्शन होता है जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, दूसरा होता है फीड मैकेनिज्म। कौन सा? फीड मैकेनिज्म। जब भी आप लेथ मशीन पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आपको फीड मैकेनिज्म पता होना चाहिए, कौन कौन सी फीड होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है, फीड मैकेनिज्म। ठीक है, कौन कौन सी फीड होती है आपको मैं बताऊंगा। देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल फीड, जब ये वाली फीड, कौन सी वाली? ये वाली फीड का मतलब आपका टूल का मूवमेंट। ठीक है, टूल का मूवमेंट। देखिए, लॉन्गिट्यूडिनल फीड, जब आप इस डायरेक्शन में टूल को मूव करते हैं तो ये कौन सी फीड कहलाती है? लॉन्गिट्यूडिनल फीड। ठीक है, और जब आप टूल को इस तरह मूव करते हैं, इससे क्रॉस स्लाइड से, इससे क्रॉस स्लाइड से इससे मूव करते हैं तो ये कहलाती है आपकी क्रॉस फीडिंग या ट्रांसवर्स फीड। ठीक है, जिसे आप अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ भी बोलते हैं। ठीक है ना, एंगुलर फीड, किसी एंगल पर फीड देना, ये इस साइड भी हो सकती है और इस साइड भी हो सकती है, दोनों साइड होती है। ठीक है ना, तीसरा है डेप्थ ऑफ कट। ठीक है, डेप्थ ऑफ कट बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, डेप्थ ऑफ
कट क्या होता है? जब आपका टूल का पिन पॉइंट आपके किसमें जॉब के कांटेक्ट में आता है, ठीक है? तो एक राउंड, पूरा एक राउंड घूमने में जितना कट करता है, एक राउंड वर्क पीस का एक राउंड घूमने में जितना कट करता है वो उसका डेस्कटॉप कट कहलाता है। समझ गए? ठीक है। कटिंग स्पीड नॉर्मल आपका जो वर्क चक होता है, चक में आपका जो वर्क पीस लगा हुआ होता है उसके घूमने की स्पीड को कटिंग स्पीड कहते हैं। ठीक है, तो ये समझ में आया होगा आपको। फीड मैकेनिज्म समझ में आ गया है आपको, तीनों टाइप की फीड समझ में आ गई होंगी। आगे चलते हैं अपन। ठीक है, अब ये वेरियस, सॉरी, वेरियस टूल, ठीक है, को तो आपके जो वेरियस ऑपरेशन होते हैं उनमें अलग अलग टाइप के टूल यूज किए जाते हैं। होता सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, बस उसको मॉडिफाई कर दिया जाता है उसी ऑपरेशन के तहत। जैसे टर्निंग टूल है आपका, देखिए आप, है ना, ये सारे यूज होंगे। अभी देखो, टर्निंग टूल, फेसिंग टूल, है ना, चैम्फरिंग टूल, फॉर्म प्रोफाइल टूल, पार्टिंग और नेकिंग टूल, एक्सटर्नल थ्रेडिंग टूल, इंटरनल थ्रेडिंग टूल, बोरिंग टूल और नर्लिंग टूल। ठीक है, तो ये सारे टूल यूज किए जाएंगे आपके अभी ऑपरेशंस में। ठीक है, सॉरी, तो अभी आप ऑपरेशंस की बात करते हैं, ऑपरेशन की तरफ चलते हैं अपन लोग। ठीक है, तो कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं? ठीक है, वेरियस ऑपरेशन। सबसे पहला आता है फेसिंग। फेसिंग में क्या होता है कि देखिए, फेसिंग ऑपरेशन, ये आपका यहाँ फेसिंग ऑपरेशन दिया गया है, ये आपका फेसिंग टूल है, ये आपका चक, ये आपका चक है, इसमें वर्क पीस में ये लगा हुआ है। तो इसमें क्या होता है, जो ये वाला पोर्शन होता है, आप यहाँ से शुरू करते हैं, यहाँ से धीरे 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 आपके टूल में क्रॉस फीडिंग देते हैं। कौन सी फीडिंग? क्रॉस फीडिंग देते हैं। और अब चूंकि वर्क पीस घूम रहा है तो ये वाला पोर्शन भी कॉन्टेक्ट में आता है। ठीक है, तो धीरे 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 इस पे फेसिंग हो जाती है। तो देखिए, मैंने लिखा है, फेसिंग टूल इज फेड द सेंटर ऑफ, सॉरी, सेंटर ऑफ द वर्क पीस टुवर्ड द आउटर सरफेस। ठीक है, आउटर सरफेस विद द हेल्प ऑफ क्रॉस स्लाइड। ठीक है, क्रॉस स्लाइड की मदद से, मतलब वर्क पीस के आगे की फेस की फेसिंग करना क्या कहलाता है? फेसिंग कहलाता है। प्लेन टर्निंग है ना, प्लेन टर्निंग क्या होती है? नॉर्मल आउटर सरफेस में जितना मटेरियल रिमूव करना है सिलेंड्रिकल सरफेस का, देखिए आप, ये मटेरियल रिमूव कर रहे हैं यहाँ, यहाँ का अपन, है ना, ये वाला मटेरियल रिमूव कर रहे हैं, तो ये नॉर्मल प्लेन टर्निंग कहलाती है। स्टेप टर्निंग क्या होती है? स्टेप बाय स्टेप, मान लो आपका जो जॉब है वो है, जॉब का डायमीटर 30 mm का है, तो आपको दो स्टेप बनाने, एक आपको 20 mm का डायमीटर चाहिए और 10 mm का। तो पहले आप 20 mm का बनाएंगे, फिर आप 10 mm का बनाएंगे। समझ गए ना? तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप बनाना स्टेप टर्निंग कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेपर टर्निंग, कौन सी टर्निंग? टेपर टर्निंग। ठीक है, तो देखिए, टेपर टर्निंग में क्या होता है, इट इज एन ऑपरेशन टू ऑफ प्रोड्यूस एन एक्सटर्नल कॉनिकल सरफेस। अब मैंने आपको कंपाउंड स्लाइड बताई थी, देखिए कंपाउंड स्लाइड से आप क्या होंगे, थोड़ा सा एंगुलर मूवमेंट दे देंगे किसको, टूल को। अब जब टूल को एंगुलर मूवमेंट देंगे और जब आप फीड देंगे तो कौन सी फीड आएगी? एंगुलर फीड। कौन सी फीड? एंगुलर फीड। और इससे इस टाइप का टेपर कटिंग होगी। कैसी कटिंग होगी? टेपर कटिंग। ठीक है, तो टेपर प्रोड्यूस करना क्या कहलाती है? टेपर टर्निंग। समझ गए, है ना? आगे चलते हैं अपन। ड्रिलिंग, ड्रिलिंग, ड्रिलिंग में क्या होता है? नॉर्मल आपका जो, ये क्या बोलते है, आपके चक में जॉब जॉब बना रहता है। अब यहाँ पे उपयोग आता है टेलीस्कोप का। ठीक है, अब यहाँ कैरेज उपयोग में नहीं आती है। अब कैरेज में टूल नहीं लगेगा, ड्रिल वाला, ड्रिल का टूल लगता है किसमें? टेलीस्कोप में। ठीक है, टेलीस्कोप में रहेगा और दोनों का अलाइनमेंट रहेगा, जहां आपको ड्रिल करना होगा वहां पे टेलीस्कोप को ले जाएंगे, वर्कपीस में घूमता रहेगा और आप उसमें ड्रिल कर देंगे। ठीक है, ठीक है। तो ड्रिल का क्या होता है?
किसी भी वर्क पीस में आपको होल बनाना ड्रिल कहलाता है। तो ये रीमिंग, रीमिंग क्या कहलाती है, जो आपका ऑलरेडी होल है उसको फिनिश करना, ठीक है, क्या कहलाती है, रीमिंग। इसके लिए रीमर टूल यूज किया जाता है, और ये भी किसमें यूज किया जाता है, टेल स्टोक में ही लगेगा, कैरेज के टूल पोस्ट पे नहीं लगेगा रीमर टूल, ये कहाँ लगेगा, टेल स्टोक में लगेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बोरिंग। बोरिंग क्या होता है, जो आपका ड्रिल होल होता है, ठीक है, जो होल है आपका उसका ऑलरेडी उसको क्या करना, बढ़ाना, इनलार्ज करना, क्या कहलाती है, बोरिंग कहलाती है, ठीक है। जो आपका ऑलरेडी होल है उसको बढ़ाना क्या कहलाती है आपकी, बोरिंग, ठीक है। अंडरकटिंग और ग्रूविंग, अंडरकटिंग और ग्रूविंग क्या कहलाता है, आपका उसके डायमीटर, जो भी आपका डायमीटर है उसको रिड्यूस करना, लेकिन बहुत नैरो सरफेस में, ठीक है, नैरो सरफेस, बहुत नैरो सरफेस, स्टेप टर्निंग जैसा ही है, लेकिन स्टेप टर्निंग थोड़ा सा वाइड 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 सरफेस रहता था, लेकिन ये क्या है, बहुत से ग्रूव करना, बहुत नैरो सरफेस में क्या करना, वर्क पीस का डायमीटर को रिड्यूस करना, ठीक है, ग्रूविंग कहलाती है। देखिए आपको यहाँ दिखाए गए हैं, ये आपका बोरिंग टूल यूज हुआ है, यहाँ ये आपका ग्रूविंग टूल हुआ है, मैंने आपको टूल बताए थे, ठीक है। आगे बढ़े, है ना, आगे बढ़ते हैं अपन, थ्रेडिंग, थ्रेडिंग और नल्डिंग, ठीक है। थ्रेडिंग क्या होता है, थ्रेडिंग आपको मैंने बताया है, जब हाफ नट मैकेनिज्म का यूज करेंगे और आपकी जो सिलेंड्रिकल सरफेस है उस पे एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस पे ग्रूव्स, हेलिकल ग्रूव्स बनाना, और हेलिकल ग्रूव्स बनाना है विद प्रॉपर स्पेसिंग, ये कहलाती है आपकी थ्रेडिंग, ठीक है। नर्लिंग, नर्लिंग क्या कहलाती है, इट इज द ऑपरेशन प्रोवाइड नर्ल्ड सरफेस ऑफ द वर्क पीस, नर्ल्ड सरफेस मतलब इसमें एक नर्लिंग टूल होता है जो, ठीक है, जो थोड़ा सा अलग सा दिखता है ना, नर्लिंग टूल अलग से लगता है, और ये टेलीस्टोक पे, सॉरी ये लगता है कैरेज पे आपकी, तो ये नर्ल्ड सरफेस, ये क्यों दी जाती है नर्ल्ड सरफेस, ताकि आपकी ग्रिपिंग, किसी भी जॉब को पकड़ने के लिए ग्रिपिंग के लिए नर्लिंग सरफेस दी जाती है, ठीक है। तो ये सारे ऑपरेशन होते हैं लेथ मशीन पर, जिसे हम डिफरेंट डिफरेंट उसमें परफॉर्म करते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट टूल लगा के परफॉर्म करते हैं। तो थैंक यू, तो आपको उम्मीद है आप सबको ये वीडियो जो है ये पसंद आई होगी। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी प्रकार के मैकेनिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड वीडियो आप लोग अपलोड करते रहेंगे, और यदि आप मशीनों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको ये चैनल जरूर सब्सक्राइब करना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो पसंद आया होगा, इसी उम्मीद के साथ हम इस वीडियो को बंद करते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।